राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार, और सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज जो है ये है मेरे 5 तारीख का ब्लॉग, 5 अप्रैल का, और मेरी ये शुरुआत हो रही है सुबह से। सुबह की शुरुआत है और काम तो मेरा हो गया है, नहाना भी हो चुका है। नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है। तो मैं ना आज आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू की सूखी सब्ज़ी, और बनाऊँगी पूरी और उसमें रायता भी है। तो आज दोस्तों, आज है मेरे छोटे बेटे का बर्थडे। तो ना आज मैंने थोड़ा सा पूजा रखवा रखी है घर में, तो उसी की तैयारी में लगे। तो सुबह से पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करी, अच्छे से धुलाई करी पूरे घर की। तो उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका मैंने कैप्चर नहीं करा। ये मैंने किचन से ही शुरुआत करी, और उसके बाद अब मैं आटा वगैरह गूँधने की तैयारी करी। मैंने कहा आटा वगैरह गूँध के रख लेती हूँ, फिर पंडित जी आएंगे तो फिर काम नहीं हो पाता अंदर का। फिर पूजा करवानी, थोड़ा गृह पूजन करवाना है, तो उसके बाद बाहर का ही काम हो जाता है। तो फिर अकेले अकेले तो बहुत काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो इतना काम कर नहीं पाते हैं, छोटा मोटा ही कर पाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूंद के रखा, सब्ज़ी मैंने पकने के लिए रखी है धीमी आँच में। उधर सब्ज़ी पक रही थी, इधर आटा गूंद रहा था मेरा, और काम सारा कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों, तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बनाऊँ, एक शेयर करूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, वो हो गया आज 12 साल का पूरा। 5 अप्रैल का है वो, 2012 का। आज 12 साल का पूरा हो गया है, 13वें में लग गया है। तो यहाँ मेरा आटा गूंद के हो चुका है तैयार, क्योंकि हमने सब ने किसी ने अभी नाश्ता नहीं करा है। जब पूजा हो जाएगी तो उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। तो उसके बाद जो है मैंने कृष्णा जी को, ये कृष्णा जी को मैंने नहलाया, और उसके बाद उनको नहाने के बाद ये यानी मैं आज बर्थडे तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। हमारे उत्तराखंड में तो हम ना पकौड़ी बनाते हैं दाल की, धुली उड़द की बनाते हैं, छिलके वाली उड़द की भी अच्छी बनती है। तो हमारे हम लोगों में ना शुभ के लिए पकौड़ी बनाते हैं। तो मुझे ना पकौड़ी बनानी तो आती नहीं है, तो आज ना मैं ट्राई, क्योंकि मेरी जो सास है वो है नहीं अभी घर में, वो बनाती थी मेरी सासू माँ, तो अभी है नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही बना लूँ। पहले मैंने दाल को ना पीसा, पहले मैंने मिक्सी में पीसा दाल को हल्के, फिर वो अच्छी तरह नहीं पीसी मिक्सी, फिर मैंने सिलबट्टे में पीसा और फिर वो हो गई। तो मैंने पकौड़ी बनाई, पकौड़ी बनवाने की मतलब कोशिश करी है, लेकिन अच्छी बनी है। और उसमें ना तिल भी लगाते हैं पकौड़ी में, से तिल के छापे लगते हैं उसमें। ये सब हमारे गढ़वाल में बनाते हैं, तो जन्मदिन हो या शादी वगैरह इसमें बनती है। पहले सबसे पहले दाल ही पीसती है हमारी, उसमें उत्तराखंड के उसमें 7 सुहागनें होती हैं जो दाल पीसती हैं सिलबट्टे में। और बड्डे वगैरह में भी सूप के लिए मतलब कढ़ाई रखनी ही पड़ती है। तो उसके लिए मैंने जो है मैंने कहा बना के देखूँगी, जो ऐसे ही तो सीखते हैं ना, ऐसे ही तो सीखते हैं कि भाई धीरे धीरे करके। हमने उन्हें देखा है कैसे बनाते, हमने से मैंने आखिरकार मैंने बना ही दी, मतलब शुरुआत करी दी। तो अच्छी बन रही थी और खाने में भी अच्छी हो रही थी। तो मैंने पहले बनाई, तो मैंने पहले थोड़ा सा जो है अग्नि को करते ना, अग्नि को चढ़ाते हैं, तो पहले मैंने जो है एक अपने गैस के उधर रखी बना के। फिर मैंने और पकोड़ी बनाने की वो करी, शुरुआत करी। तो बोलते हैं ना, जो हम कोई काम करते हैं तो भाई अपने काम में लगे रहते हैं, अपने लिए सफलता ज़रूर मिलती है। तो मेरे से भी बनी गई थी। तो मेहनत मेहनत करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है मेरे इसमें जो है ना पानी लगा के बना देने, कटोरी में, कटोरी के ऊपर पन्नी लगा रखी मैंने, और ये मेरी पकौड़ी बनने लगी हैं। तो देर हो रही थी, तो मैंने सोचा लेट हो जाएगा, कहीं पंडित जी आ जाए और मैं यहाँ पकौड़ी बनाती रह जाऊँ। तो फिर मैंने बनाई पकौड़ी वगैरह बना के, काफ़ी देर भी लगी थी बनाने में, लगता ही है फिर
वो तो ये इतनी जल्दी तो बन नहीं पाता है। फिर बन बुन के मेरी पकौड़ियाँ अच्छी बन रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ मैंने अच्छा बनाया है। तो उसके बाद पूजा की तैयारी भी हो गई थी और पंडित जी भी आ गए थे, तो उन्होंने फिर जो है वहाँ पे बिठाया, उसके गृह पूजन वगैरह करवाए और पंडित जी भी आ गए, पूजा वगैरह भी हो गई। फिर उसके बाद जो है मैंने उसके बाद मेरा जो है ये हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद उसका दोस्त आया और उन्होंने केक कट करा।